पंजाब में आरएसएस के प्रमुख नेता जगदीश गगनेजा का निधन हो गया है। गगनेजा का लुधियाना के डीएमसी में इलाज चल रहा था, जिन्हें 6 अगस्त को कुछ हमलावरों ने जालंधर में गोली मारी थी। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में कई दिनों से भर्ती आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा का वीरवार सुबह देहांत हो गया, जिसके बाद जालंधर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन से परिवार और आरएसएस बीजेपी में शोक की लहर है। जालंधर में 6 अगस्त को ज्योति चौक पर उन्हें 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस खाली हाथ है, जबकि केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है। वहीं ब्रिगेडियर गगनेजा का परिवार और आरएसएस बीजेपी ने हत्यारों को जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग रखी है। लोगों ने बहुत एफर्ट्स की थी, लेकिन दुख थे साढ़े सारे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि माननीय गगनेजा जी वर्गा मार्गदर्शक, उन्होंने वर्गा देशभक्त अज मौत दे कूल हत्था ने साढ़े तो खो लिया। लुधियाना पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुलिस अपना काम कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस इसको किस तरह देखती है? पुलिस पहले दिन से आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, जबकि वारदात को हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना।